हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरमास क्लासेस। आज हम SI का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जनरल नॉलेज का पोर्शन। नेम द वुमेन रेसलर हु वन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020। इस मिसेज ज्योति चंद, मिसेज विनेश पोगट, मिसेज बबीता पोगट, मिसेज रानी। द आंसर इज बी। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सेटेलाइट इन स्पेस? आर्यभट्ट, भास्कर, आदित्य, चंद्रयान। द आंसर इज ए, आर्यभट्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडियाज फर्स्ट सत्याग्रह कंपेन? द साल्ट मार्च 1930, खेदा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। द आंसर इज सी, चंपारण सत्याग्रह। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हेल्ड इट्स फर्स्ट स्ट्रेटेजिक काउंटर टेररिज्म डायलॉग विद इंडिया ड्यूरिंग 4th-5th March 2021? ये बिल्कुल रिसेंट है। तंजानिया, इथोपिया, अफ्रीका, नाइजीरिया। द आंसर इज नाइजीरिया। हु वन द नोबल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स 2020? ये सब आपको पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर है रॉबर्ट विल्सन, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। हु गेव द सेकेंड 5-year प्लान फोकसिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये सरदार पटेल, महालैनो ऑफिस, ठीक है। इसके बाकी ऑप्शंस ऊपर दिए गए हैं, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। वेट, जवाहरलाल नेहरू या फ्रेडमैन? और आंसर इसका बी है, महलानोबिस। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉपुलरली नोन एज द सिक्योरिटीज मार्केट वॉचडॉग? किसको कहा जाता है, RBI, NABARD, SBI, SEBI? द आंसर इज डी, SEBI। हु डिस्कवर द केप ऑफ गुड होप, द मैरीटाइम रूट टू अफ्रीका? कोलंबस, वास्को डी गामा, कैडोबर्स एलोकस। इसका बी आंसर है, ठीक है, बार्टोलोमियो डियास। द इट्स बी आंसर, ठीक है। What is common between QT, Shankar, Lakshman, Sudhir? Music, films, caricature, classical dance. The answer is C, caricature. ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। The newspaper daily, The Times of India, was originally called as Delhi Times, Kolkata Times, Bombay Times या Shimla Times? Actually इसको originally जो कहा जाता था Bombay Times कहा जाता था। The answer is C. Fill in the blanks with the correct option. Who has its international headquarters in while Indian head office is in dash? ठीक है, इनमें से कौन सा किसका भी headquarters जो है, ये हमें actually correct match बताना है। correct match इसका कौन सा है? answer is A, जेनीवा, दिल्ली। WHO का जो इसका headquarters है वो जेनीवा में है और इसके इंडिया में इसका head office दिल्ली में है। According to NDC guidelines, quarantine facility is preferred to be, ठीक है, कहाँ पर दी जानी चाहिए? Answer is at the outskirts of a city, ठीक है। Obviously बात है, आप main city में इसको रख नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आपका next question, question number 33, आज हम सिर्फ GK के ही questions करेंगे, ठीक है, बाकी questions हम अगले video में करेंगे, कोई issue नहीं है। When was the Organization of Petroleum Exporting Countries established? ईरान, अबू धाबी, इराक या फिर सऊदी अरेबिया? कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? इसका आंसर है इराक 1960 में। Which of the following is correctly matched with regard to the balance of payment accounts? इनमें से correctly match कौन सा है? तो इसमें से correctly जो match है वो option number A है, direct investment receipt credit in the capital account, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आर? ये इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये वाला। इसका आंसर जो है, आंसर नंबर डी है, CGST, SGST एंड IGST, सेंट्रल GST, स्टेट GST और इंटीग्रेटेड GST। ये इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान? दारी, अफगानी, हिंदी, उर्दू। इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है? दैट्स दारी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर।
ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार, दामोदर, कोसी, यमुना या सतलुज, इनमें से किसको सॉरो बिहार कहा जाता है? आंसर इज बी, कोसी। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, बार्ली, ग्राम, कॉटन, पी। आंसर इज बी, कॉटन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन। ओके, द आंसर इज, सॉरी, ऑप्शंस आर एड्स, साइरोसिस, हेपेटाइटिस, साइफाइलिस। ये आपके ऑप्शंस हैं और इनमें से आंसर जो है, आंसर आपका सी है, यानी कि 1, 3 और 4, एड्स और ये जितने भी ऑप्शंस 1, 3 और 4 जो मैंने बताए हैं, ये आपके आंसर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। ठीक है, दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन टू बी टेकन ग्लोबली, नेशनली एंड लोकली बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है? आंसर इज आंसर नंबर ए, एजेंडा 21। ठीक है गाइज, जितना भी मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मिलता है, प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।